हेलो दोस्तों, हमारे साथ बैठे हैं आज महेंद्र जी, जिन्होंने FUE टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। इन्हों की कॉस्ट जो आई 45,000 रुपये आई। जानते हैं ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद इन्हें कैसा फील हो रहा है। महेंद्र जी, आपका स्वागत है चैनल के अंदर। स्वागत है सर। अब आप बताइए साहब जी, आपको कैसा लगता है कि बाल आ जाने के बाद? सर, बहुत अच्छा लगता है बाल आ जाने के बाद। अभी पहले से जैसे बहुत अच्छा लगने लगा है। और कहीं आने जाने के लिए पहले लज्जा महसूस होती थी, अभी बहुत अच्छा लगने लगा है कहीं सिटी में जाने के लिए। और हमारा हेयर प्लांट लगभग 6 महीना हो गया है सर। हाँ, पहले से बहुत अच्छा है सर। किसी तरह की घबराहट कुछ नहीं होती? पहले होती थी क्या ये सब घबराहट वगैरह कहीं जाने में? पहले सर बहुत घबराहट होती थी कहीं जाने में। कहीं जाने में कैप लगा के जाना पड़ता था, लाज लगती थी कहीं जाने में से, कहीं वो फंक्शन में, कहीं भी जाने में सोचना पड़ता था एक बार को कि भाई जाएं या ना जाएं, क्या करें। हाँ सर, सोचना पड़ता था दो बार की पहचान। किसी तरह की हेजिटेशन कहने का मतलब है नहीं होती ना। अच्छा, तो जब आपको ट्रांसप्लांट कराया था तो आपको पेन वगैरह होता था? नहीं होता था। नहीं सर, हल्का होता था बस। अच्छा। और ज्यादा नहीं होता था। ज्यादा नहीं हुआ, हल्का फुल्का हुआ जो सहन करने लायक था। हाँ, सहन करने लायक। अच्छा, और आपको ट्रांसप्लांट हो जाने के साथ मैं कुछ चीज पूछूंगा, आप बताना फ्री मिली या नहीं मिली। 5 दिन की मेडिसिन आपको फ्री मिली या नहीं मिली? हाँ सर, फ्री मिली। अच्छा, 5 PRP के सेशन जो होते हैं वो आपको फ्री मिले या नहीं मिले? फ्री मिले। दोस्तों, जो 5 दिन की मेडिसिन होती है उसकी कॉस्ट लगभग 1,000 रुपये होती है, वो फ्री मिली। 5 PRP की कॉस्ट लगभग 18,000 रुपये होते हैं, वो भी फ्री मिली। और आपको जो स्किन टेस्ट हुए थे, एलर्जी टेस्ट वगैरह जो हुए थे लोकल से, वो भी फ्री मिला था? हाँ सर, वो भी फ्री मिला था। अच्छा, हेड वॉश भी फ्री हुआ था? कोई चार्ज नहीं हुआ था ना? कोई चार्ज नहीं। अच्छा, बैंडेज रिमूवल, जो पट्टी वगैरह, ये सब कुछ फ्री हुआ? सब कुछ 45,000 के अंदर ही हुआ। हाँ सर, है ना। अच्छा, तो अब आप बताएं, थोड़ा सा और बताएं लोगों को खुल के कि भाई अब आपको ऊपर कपड़े जचते हैं नहीं जचते, क्या थोड़ा क्या चेंज आ गया जिंदगी में थोड़ा सा? हाँ सर, पहले से कहीं भी अभी अच्छे लगने लगा, कहीं भी जाने के लिए महसूस नहीं होता है, कहीं भी जाना पड़ता है तो पहले जैसा नहीं लगता है। अच्छा, तो आप चाहेंगे कि लोग जितने भी देख रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सब वही लोग हैं जिन्हों के बाल झड़ गए हैं और ट्रांसप्लांट के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो क्या वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं बिना हेजिटेशन के, नहीं करवा सकते? सर ये बिल्कुल करा सकते हैं पहले से हमें, क्योंकि मेरा भी बाल पहले जैसा था कि अभी उस कराने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा है सर। तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखने में तो बहुत डरावनी लगती है सर्जरी, तो उतने डरने की बात है या नहीं है? नहीं सर, डरने की कोई बात नहीं। पहले मैं भी डरता था कि कराएंगे ये होगा वो होगा, सिर दर्द करने लगेगा ऐसा वैसा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं सर, कराने के बाद भी और कराने के समय भी कुछ भी नहीं दर्द होगा ना कुछ भी। तो मतलब करा ले, बेझिझक करवा ले। हाँ सर, बेझिझक करवा ले। ठीक है साहब जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को मोटिवेट किया, थैंक यू।